आज बनेगा लौकी, वो भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से। बहुत ही डिफरेंट है और टेस्ट में एकदम बेस्ट है ये। तो इसके लिए क्या करेंगे, लौकी को थोड़ा सा पहले हमें पकाना है, जैसे कि गैस पे ही इस तरीके से आप रख दीजिए, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर बहुत ही आसानी से पक जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट में ये लौकी बहुत ही अच्छे से पक जाता है। और पकने के बाद जो इसका टेस्ट आता है, एक सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और इसे हम क्या करेंगे, जो पकाने के बाद थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए इसे हम ढक के रख देंगे। ढकने से क्या होगा, जो बाकी जो 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 भी अगर थोड़ा सा भी कच्चा रहेगा, तो फिर ढकने के बाद इसका गर्म जो भाप निकलेगा ना, उससे ये बहुत ही आसानी से अच्छे से पक जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। आधे घंटे के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम पानी डालेंगे। और पानी डाल करके इसे अच्छे से इस तरीके से आप इसका छिलका उतार दीजिए, बहुत ही अच्छे से ये ब्लैक जो छिलका जला हुआ है ना, वो आराम से, क्योंकि मैंने पकाया है इसीलिए ये ब्लैक हो गया है और अंदर से बिल्कुल भी नहीं जला है। आप देख सकते हैं कि अंदर से बिल्कुल भी नहीं जला है और बहुत ही अच्छे से, आप देखिए अच्छे से पक गया। इसे अच्छे से फिर से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे, जो सारा ब्लैक जो छिलका है वो उसको हम उतार लेंगे अच्छे से। अब हम इसे क्या करें, इसका डंटा जो है सो हटा देंगे, डंठल को, और एकदम छोटा छोटा टुकड़ा हम कट करेंगे, जिससे कि इसे जो हम पकाएंगे तो और ये जो भी बाकी रहेगा वो, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। अब हम लेंगे ये प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया की पत्ती, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, और ये मैंने जो लौकी रोस्ट किया था वो लौकी जो बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इसमें मैंने 2 बड़ा प्याज लिया है, क्योंकि प्याज अच्छे से डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप प्याज कट लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप, और इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे और ये हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लहसुन भी अगर आपको ज़्यादा डालना हो तो और डाल सकते हैं। और ये मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर लिया है, और इन सब सारी चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और अब करेंगे पैन में सरसों का तेल गरम, सरसों के तेल में ही इसे बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और अब क्या करेंगे, इसमें ग्रीन चिली, हरी मिर्च डाल देंगे और फिर बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और फ्लेम को रखेंगे लो। लो फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और इसमें डालेंगे हम नमक, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। और नमक डाल करके इसे 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इन सब सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 से 10 मिनट हो गया है और अब हम इसे प्रेस करते हुए चलाते जाएंगे और 10 से 15 मिनट तक इसे हम भूनेंगे और फ्लेम को रखेंगे लो। और अब हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, टमाटर का क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, एक के बदले आप 2 भी दे सकते हैं। और ये लौकी डाल देंगे और लौकी डाल करके इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल लो, क्योंकि लो फ्लेम पर अगर भूनेंगे तो बहुत ही अच्छे से प्याज लहसुन सब पक जाएगा और ये टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको ऐसे प्रेस करते हुए चलाते जाइए इस तरीके से। और इसको जो है सो जो रोस्ट करने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप ट्राई करके, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम इसे ढक देंगे और ढक करके इसे हम पकाएंगे। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। और इसमें अब हम डाल देंगे धनिया की पत्ती, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इन सब सारी चीज़ों को डाल करके हम अच्छे से मिला लेंगे। और फिर 5 से 10 मिनट के लिए से हम भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। तो पता है दोस्तों,
अब इसमें हम डालेंगे क्या, गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैंने क्या बनाया। तो पता है कि मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया लौकी का चोखा, लौकी का भरता मैंने बनाया। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप देखिए एकदम से जैसे भरता होता है ना, चोखा होता है, बस वैसा ही बन गया है, एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा पानी डाल करके फिर आप इसे ढक दीजिए, और ढक करके 5 से 10 मिनट तक के लिए ढकिए, और ढक के फिर आप अच्छे से मैश कर लीजिए। इसे मिलाते हुए गैस को फ्लेम लो रखिए और चलाते रहिए और मैश करते रहिए, तो इससे अच्छे से भुन भी जाएगा, पक भी जाएगा और ये भरता के जैसा हो भी जाएगा। तो ये अब हो गया है, इसे 5 मिनट के लिए और हम भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है, और ऐसे प्रेस करते हैं दबाते हुए इसको, हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपने आलू का चोखा बनाया होगा, बैंगन का चोखा बनाया होगा, पर लौकी का चोखा एक बार बना करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। और इसे मैंने फ्लेम को लो रखा है, लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक, और हम इसे भूनेंगे। और इसको मैश करते हुए भूनते जाएंगे हम। और ये हो गया है, अब इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये हो गया है। गैस बंद कर देंगे। अब ये बिल्कुल हो गया है, इसे हम ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है, और इसका देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। तो एक बार आप बना करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। तो फिर मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और मेरी रेसिपी को ट्राई करते रहिए। हैप्पी छठ पूजा।